Hello friends, I'm Rahul. Welcome back to the channel Last Minute Revision with RSM, and here I'm back with another video. So today's video is about the applied component paper direct taxes of semester 5 of TY BCom of Mumbai University. We will have a discussion on the objectives which was asked in the paper. So aaj hum ye objectives ke bare mein discussion karne wale hain. Jo objectives aapko puche gaye the uske main aapko answers dene wala hu, to aap apne answers accordingly check kar sakte hain aur aap खुद को जज कर सकते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव्स में कितने मार्क्स मिलेंगे. तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो. द फर्स्ट क्वेश्चन विच वॉज आस्क वॉज मल्टीपल चॉइस. इनकम टैक्स एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है होल ऑफ इंडिया. इनकम टैक्स इज अ टैक्स ऑन इनकम. तो ऑब्जेक्टिव्स काफी इजी पूछे गए थे, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इनके आंसर सही आए होंगे. द लीगल स्टेटस ऑफ मिसेस हिमा दास इंडियन स्प्रिट रनर इज एन इंडिविजुअल. स्पोर्ट्समैन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं, इज एन इंडिविजुअल. पर्सनल 24 कैरेट गोल्ड मंगलसूत्र इज कैपिटल असेट. एवरी एसएससी इज अ पर्सन एंड एवरी पर्सन नीड नॉट बी एंड एसएससी. टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन इज डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ हिज, आंसर है रेसिडेंशियल स्टेटस. इन केस ऑफ कैपिटल असेट्स एक्वायर्ड ऑन 1st अप्रैल 1971, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कैपिटल असेट इज डिटरमाइंड एज ऑन. इसका करेक्ट आंसर है 1st अप्रैल 2001. डिडक्शन अंडर 80D इन रेस्पेक्ट ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम इज अलाउड टू इंडिविजुअल एंड HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली. नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है शेयर ऑफ प्रॉफिट रिसीव्ड बाय पार्टनर ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज फुली एग्जेम्प्ट. तो पार्टनरशिप फर्म का एग्जेम्प्शन है अंडर सेक्शन 10(2)(a). अनकम्यूटेड पेंशन रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज टैक्सेबल. अनकम्यूटेड इज टैक्सेबल फॉर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बोथ. द डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E इज अलाउड फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ रुपीज एनी अमाउंट. कोई लिमिट नहीं है 80E के लिए इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर हायर एजुकेशन. ओके, अवार्ड रिसीव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट इज एग्जेम्प्ट. तो ये थे 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. नाउ वी विल स्टार्ट विद द ट्रू और फॉल्स क्वेश्चंस. तो ट्रू और फॉल्स स्टार्ट करते हैं. एक्स ग्रेशिया रिसीव्ड फ्रॉम द एम्प्लॉयर इज टैक्सेबल एज सैलरी इज ट्रू. When a property is occupied by the owner himself, that property is called let out house property, it's false. Expenses on local festival Navratri Puja is allowed business expenditure, it's true. Previous year can be more than 12 months, it's false. There are total 5 heads of income, it's true. Salary received by member of parliament is taxable under the head from the salaries, it's false. Cost inflation index is applicable for transfer expenses, it's false again. The status of Indian origin individual is always a resident, false. Ground rent is taxable under the head income from house property is false. Gift received by a doctor from his patient is taxable under the head income from profession, it's true. Interest on income tax refund is taxable under the head income from other sources, it's true. Any sum received under key man insurance policy is taxable is also true. So overall true or false which we have discussed. तो यहाँ पे कोई फ्लो फॉलो नहीं हुआ है. फर्स्ट वॉज ट्रू, सेकेंड फॉल्स, देन अगेन ट्रू, फॉल्स, ट्रू, फॉल्स, 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 ट्रू, ट्रू, ट्रू. तो बेसिकली ओवरऑल देखा जाए तो ट्रू भी है इसमें और फॉल्स भी पूछे गए हैं. तो दैट्स इट, दिस इज द वीडियो. अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो के नीचे अपने कमेंट्स करो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन चेक देयर आंसर्स अकॉर्डिंगली. चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकॉन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस.